इंग्लिश टीचर। बच्चों इससे पहले के पार्ट में, इससे पहले के वीडियो में हम लोग द कॉप एंड द एंथम जिसे लिखा है ओ हेनरी ने, इसके फर्स्ट पार्ट की रीडिंग कर चुके हैं और समरी को समझ चुके हैं। सोपी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है और वो ये इस जुगाड़ में है कि उसे किस तरीके से 3 मंथ्स की प्रिजन हो जाए ब्लैकवेल्स आइलैंड में और वहाँ पर उसका रोटी कपड़ा और मकान रहने का खाने पीने का इंतजाम हो जाए। तो बस यही सोच रहा है वो एक पार्क में बैठकर, बेंच में बैठकर, और तभी वो सोचता है, कुछ प्लान बनाता है। वो सोचता है कि वो एक महंगे रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएगा और खाना खाने के बाद में जब उससे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा तब वो कह देगा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और रेस्टोरेंट के जो वेटर्स हैं, मैनेजर हैं, वो पुलिस को कॉल करेंगे और उसे हो जाएगी प्रिजन। बस इसी जुगाड़ में लगा हुआ है और यह सोचता हुआ वो चला जाता है एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जो कि है ब्रॉडवे में। एक ब्रॉडवे एक स्ट्रीट है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पर वो पहुँचता है और वो सोचता है कि वो अंदर जाएगा और अच्छा सा खाना खाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? उसके कपड़े फटे हुए थे, शूज़ भी गंदे थे, कपड़ों में मैल भी लगा हुआ था। तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट के डोर पर पहुंचता है, दरवाजे पर पहुंचता है, जो गार्ड्स होते हैं ना बच्चों, रेस्टोरेंट के बाहर गार्ड्स लगे हुए होते हैं, वो देखता है अरे ये कैसे पेमेंट करेगा इतने महंगे रेस्टोरेंट के खाने का, इसके तो कपड़े फटे हुए। इसकी हालत देखकर वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो इसे भगा देते हैं। बस फर्स्ट इसकी जो जुगाड़ थी, फर्स्ट इसने जो ट्रिक सोची थी वो हो जाती है यहाँ पर फेल। फर्स्ट ट्रिक इसकी फेल हो गई। अब सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा प्रिजन में जाने का इंतजाम हो जाए। तो वहीं पर 6th Avenue एक रोड होती है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी शॉप्स होती हैं और एक शॉप वो देखता है जिसमें ग्लास के विंडोज़ लगी थी, शीशे की कांच की विंडोज़ लगी थी। वो ये सोचता है कि इसे पत्थर मार के तोड़ देगा और इसका जो मैनेजर है, मालिक है, तब पुलिस को बुलाएगा और उसे जेल हो जाएगी। ऐसा सोचने के बाद पास पड़े हुए एक पत्थर को वो उठाता है और उस ग्लास विंडो को तोड़ देता है। ग्लास विंडो को तोड़ने के बाद भी वो वहीं पर खड़ा रहता है, तभी वहाँ से एक पुलिस वाला निकल रहा होता है, वो ये देखता है, एक कॉप निकलता है, वो देखता है कि इस शॉप के ग्लास विंडो को किसी ने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो सोपी जो पास खड़ा हुआ था इससे पूछता है कि क्या आपने देखा है कि इस ग्लास विंडो को किसने तोड़ा? तो सोपी कहता है कि मैंने, क्या आपको नहीं लगता कि इस विंडो को, ग्लास विंडो को मैंने ही तोड़ा होगा? तो कॉप जो था थोड़ा फ्रेंडली था, वो मुस्कुराने लगता है, सोचता है कि जिसने भी इस ग्लास विंडो को तोड़ा होगा वो यहाँ पर थोड़ी ना खड़ा होगा, अगर सोपी ने इस ग्लास विंडो को तोड़ा होता तो वो यहाँ से भाग गया होता। तो पुलिस वाला भी वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है और सेकेंड ट्रिक भी हो जाती है इसकी बेकार। वो ये सोच रहा था कि ग्लास विंडो अगर तोड़ेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और उसे प्रिजन हो जाएगी, लेकिन कॉप उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है कि इस विंडो को इसी ने ब्रेक किया है। अब ये सोचता है कि अब क्या करा जाए जिससे कि उसे प्रिजन हो जाए। तो तीसरी ट्रिक ये आजमाता है, तीसरी ट्रिक के लिए जाता है फिर से एक रेस्टोरेंट में। बच्चों ये रेस्टोरेंट जो था, जो फर्स्ट रेस्टोरेंट में गया था उसकी तरह बहुत अच्छा तो नहीं था और यहाँ का खाना भी बहुत महंगा नहीं था। तो इसे इस रेस्टोरेंट में मिल जाती है एंट्री। ये अंदर जाता है, डिनर ऑर्डर करता है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता है। खाना खाने के बाद क्या होता है, इससे कहा जाता है कि इसका पेमेंट करिए। तो पेमेंट करने के नाम पे ये कह देता आई हैव नो मनी, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं इसका पेमेंट कहाँ से करूँगा। अब वेटर से कहता कि अब आप देख क्या रहे हैं, आप पुलिस को कॉल करिए, कॉप को कॉल करिए और मुझे अरेस्ट कराइए। तो जो वेटर्स होते हैं वो पुलिस को तो कॉल नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 वेटर्स मिलके इसे उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देते हैं। पुलिस को कॉल नहीं करा बच्चों, लेकिन ये चाह रहा था पुलिस को कॉल करें, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं करा, वेटर्स ने उठा के इसे फेंक दिया रेस्टोरेंट के बाहर। अब क्या हुआ, इसने उठा, थोड़ी देर तक पड़ा रहा, इसने अपने जो कपड़े थे क्लोथ से उसमें धूल लग गई थी, धूल को झाड़ा और वहाँ पर खड़ा हो जाता। बच्चों ये एरिया था बहुत अच्छा, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थिएटर्स भी थे, लोग वहाँ से निकल रहे थे, वो गर्म महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये था एक पॉश एरिया। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो इसका मैं यहीं पर ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, और थर्ड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सोपी की जो इच्छा थी, विश थी प्रिजन में जाने की, जेल में जाने की, वो पूरी होती है या नहीं होती है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे। और हर बार की तरह मैं फिर से आपसे यही कहूँगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ
ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब हम लोग जानेंगे कि सोपी की विश पूरी होती है या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।